दूसरे T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 हुई घोषित। आवेश खान, ऋतुराज गायकवाड़ सहित तीन युवा खिलाड़ियों की एंट्री। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और वेस्ट इंडीज का दूसरा T20 मुकाबला कल खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया के प्लेइंग 11 घोषित हो चुकी है। आवेश खान, ऋतुराज गायकवाड़ सहित कौन से तीन युवा खिलाड़ियों की भारतीय टीम में एंट्री हुई है, कौन से 11 धाकड़ खिलाड़ियों के साथ भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी, यह सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन कप्तान मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच तीन T20 मुकाबलों की एक रोमांचक T20 सीरीज खेली जा रही है। इस T20 सीरीज का दूसरा और अहम मुकाबला 18 फरवरी 2022 को खेला जाएगा। यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच की शुरुआत भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगी, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हाल ही में पहला T20 मुकाबला खेला गया, जिसमें टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले T20 मुकाबले को शानदार तरीके से जीत के इस सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। पहले T20 मुकाबले में बल्लेबाजी के दौरान सूर्य कुमार यादव, वेंकटेश अय्यर, रोहित शर्मा और ईशान किशन के द्वारा शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। इसके अलावा दोस्तों विराट कोहली, ऋषभ पंत सहित कई अन्य खिलाड़ियों ने खराब प्रदर्शन किया, जिसका फल उन्हें अब भुगतना पड़ सकता है। इसी साल अक्टूबर के महीने में T20 वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है, जिसके लिए भारतीय टीम अपनी टीम का चयन कर रहा है, यानी कि अपने T20 टीम के प्लेइंग 11 को ढूंढ रहा है। भारतीय टीम चाहेगी कि मजबूत प्लेइंग 11 के साथ T20 वर्ल्ड कप के लिए मैदान पर उतरे और इसी वजह से दूसरे T20 मुकाबले में हमें बड़े बदलाव होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि भारतीय टीम अब इस T20 सीरीज को जीत ही चुकी है। दो में से एक मुकाबला टीम इंडिया आसानी से जीत जाएगी और इस T20 सीरीज को अपने नाम करेगी। ऐसे में भारतीय टीम कई सारे युवा खिलाड़ियों को मौका देकर परखना चाहेगी, जैसे कि पहले T20 मुकाबले में रवि बिश्नोई ने डेब्यू करते हुए शानदार गेंदबाजी करते हुए मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था। कुछ इसी तरह से कई सारे अन्य और IPL में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दूसरे T20 मुकाबले में मौका दिया जा सकता है और रोहित शर्मा की कप्तानी में एक बार फिर से यह खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करके टीम इंडिया में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि इन युवा खिलाड़ियों के द्वारा हमें किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरे T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है और भारतीय टीम में ऋतुराज गायकवाड़, आवेश खान सहित कौन से युवा खिलाड़ियों की एंट्री हुई है, तो चलिए पूरे विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाजों की। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से नई ओपनिंग जोड़ी हमें बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगी। जहां तक मेरे हिसाब से रोहित शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ दूसरे T20 मुकाबले में शुरुआत करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दोस्तों पहले T20 मुकाबले के द्वारा ईशान किशन ने रन तो बनाए लेकिन बेहद ही धीमे गति से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, जिसकी वजह से कप्तान रोहित शर्मा पर प्रेशर आ पड़ा। लेकिन रोहित शर्मा ने पहले T20 मुकाबले में बेहद ही विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 19 गेंदों में 40 रनों की पारी खेली थी। इसके अलावा दोस्तों अब इनके साथ ऋतुराज गायकवाड़ आप सभी को खेलते हुए नजर आ सकते हैं। जहां तक दोस्तों बात की जाए ऋतुराज गायकवाड़ की, तो दोस्तों IPL 2021 में इस खिलाड़ी ने सबसे अधिक रन बनाए थे। उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में इस खिलाड़ी ने सबसे अधिक रन बनाए थे, यानी कि अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन यह हर तरफ दिखा रहे हैं। ऐसे में अब दूसरे T20 मुकाबले में भी ऋतुराज गायकवाड़ अपने विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मध्यक्रम बल्लेबाजी में नंबर 3 पर विराट कोहली की जगह सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आ सकते हैं। पहले T20 मुकाबले के द्वारा सूर्य कुमार यादव ने बेहद ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नाबाद रहकर टीम इंडिया को जीत दिलाई थी और कुछ इसी तरह की उम्मीद इनसे भी की जा रही है। मध्यक्रम में आकर सूर्य कुमार यादव काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं और जैसे उनका प्रमोशन ऊपर होता है, यानी कि नंबर 3 पर होता है, तो वह और भी ज्यादा निखर कर आते हैं। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नंबर 3 पर किस तरह की बल्लेबाजी कर पाते हैं। इसके अलावा नंबर 4 पर आप सभी को मध्यक्रम बल्लेबाजी में माहिर माने जाने वाले श्रेयस अय्यर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। पहले T20 मुकाबले में श्रेयस अय्यर की जगह लगभग तय थी, लेकिन उन्हें प्लेइंग 11 में ना लेने की वजह से उनके फैंस ने सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचाया था। अब दूसरे T20 मुकाबले में श्रेयस अय्यर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखा सकते हैं। इसके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर एक बार फिर से ऋषभ पंत को मौका दिया जा सकता है। जी हां, ऋषभ पंत का यह आखिरी मौका हो सकता है, क्योंकि ऋषभ पंत ने पहले T20 मुकाबले में मात्र 8 रन बनाए थे और जब टीम इंडिया को रन्स की जरूरत थी उस वक्त ऋषभ पंत मात्र 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। उनके द्वारा यह प्रदर्शन बेहद ही शर्मनाक था। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि इस T20 मुकाबले में उनके द्वारा विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिले। इसके अलावा ऑलराउंडर खिलाड़ियों
खिलाड़ियों के तौर पर नंबर 6 पर वेंकटेश अय्यर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इस युवा खिलाड़ी ने पहले टी20 मुकाबले में बेहद ही शानदार प्रदर्शन करके टीम इंडिया में अपनी जगह लगभग तय कर दी है। इस खिलाड़ी ने भी टीम इंडिया की तरफ से बेहद ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नाबाद रहकर भारतीय टीम को पहले टी20 मुकाबले में जीत दिलाई थी। ऐसे में दूसरे टी20 मुकाबले में इनसे और बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की जाएगी। इसके अलावा नंबर 7 पर आप सभी को शार्दुल ठाकुर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी शानदार तरीके से करते हैं, इसके अलावा बल्लेबाजी में भी अच्छा खासा योगदान देने के लिए जाने जाते हैं। शार्दुल ठाकुर ने वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ काफी शानदार प्रदर्शन किया था। अब उम्मीद करते हैं कि इस टी20 सीरीज में भी इनके द्वारा शानदार प्रदर्शन देखने को मिले। तो वहीं पर दोस्तों नंबर 8 पर आप सभी को रवि बिश्नोई खेलते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि पहले टी20 मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहे हैं। रवि बिश्नोई ने काफी शानदार गेंदबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के परखच्चे उड़ा दिए थे। उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से उनके द्वारा कुछ इसी तरह का प्रदर्शन देखने को मिले। इसके अलावा दोस्तों भारतीय टीम में 3 तेज गेंदबाज खेलते हुए नजर आ सकते हैं। जहां तक बात की जाए नंबर 9 खिलाड़ी की, दोस्तों यहां पर आते हैं आवेश खान। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2021 में तहलका मचाने वाले और दिल्ली कैपिटल्स की टीम को फाइनल तक पहुंचाने वाले आवेश खान का दूसरे टी20 मुकाबले के द्वारा हमें डेब्यू देखने को मिल सकता है। इस खिलाड़ी ने अपनी विस्फोटक गेंदबाजी से टीम इंडिया में जगह बनाई है। उम्मीद करते हैं कि डेब्यू करते हुए दूसरे टी20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करे। इसके अलावा नंबर 10 पर आप सभी को तेज गेंदबाज हर्षल पटेल खेलते हुए नजर आ सकते हैं, जिन्होंने पहले टी20 मुकाबले के द्वारा काफी सराहनीय प्रदर्शन किया। आईपीएल 2021 में हर्षल पटेल ने सबसे अधिक विकेट हासिल किए थे। अब दूसरे टी20 मुकाबले में इनसे और बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की जाएगी। इसके अलावा नंबर 11 पर आप सभी को भुवनेश्वर कुमार की जगह मोहम्मद सिराज खेलते हुए नजर आ सकते हैं, और इस युवा तेज गेंदबाज की भारतीय टीम में एक बार फिर से वापसी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इस खिलाड़ी ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में काफी शानदार प्रदर्शन किया था। टेस्ट क्रिकेट में इन्हें बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। अब टी20 क्रिकेट में भी इनकी बेहतरीन गेंदबाजी हमें देखने को मिल सकती है। कुछ इस तरह से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 होगी। ऐसे में आपको क्या लगता है, टीम इंडिया क्या दूसरा टी20 मुकाबला जीतकर इस सीरीज में 2-0 से बढ़त बना पाएगी? उसका जवाब आप हमें कॉमेंट करके जरूर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।